हेलो दोस्तों, नमस्ते। पहला कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी व्लॉगिंग गीता संजय व्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो की शुरुआत हो रही है कुछ इस तरीके से। बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और भर भर के कमेंट्स कीजिए, और बने रहिए मेरे वीडियो में। तो हम लोग अभी यहाँ पे आए हैं, पानी भरने के लिए आए थे। ये है बिलोना का धारा। यहाँ पे पहले ऐसे नहीं था, पहले नॉर्मल सा था यहाँ पे, लेकिन अभी काफ़ी अच्छा बना दिया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये है पहाड़ों के जल स्रोत, जहाँ पे शुद्ध और ताज़ा पानी 24 घंटे हर किसी के लिए रहता है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा भी यहाँ पे डेवलप कर दिया गया है पानी के लिए, काफ़ी अच्छा है। और ये देखिए मिष्टू और मिष्टी के पापा, यहाँ पे हम लोग पानी भर रहे थे। और वेदर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा हो रहा है, सामने लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे बैठने का भी काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। और ये धारा जिसने बनाया है, जब बना है, वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, ये नगर पालिका के द्वारा बनाया गया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं घर की ओर। और आपको एक न्यू सरप्राइज़ भी मिलने वाला है, मुझे भी मिला है। वैसे मुझे पता ही था, बट हाँ इतनी जल्दी आ जाएगा मेरे को आइडिया नहीं था। तो वीडियो में आगे बने रहिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम जा रहे थे घर को, तो ये थोड़ा सा सामान वगैरह भी लेके जाना था हमने। तो हम लोग यहाँ पे शॉप पे रुक गए, यहाँ से सामान वगैरह लिया हम लोगों ने जो जो लेना था। तो बने रहिए वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे सीधा घर पहुँच के, और देते हैं आपको भी एक न्यू सरप्राइज। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये है वो सरप्राइज़। मैंने एक वॉलपेपर मंगवाया था, जो मतलब काफ़ी दिनों बाद आने वाला था, लेकिन वो फ्लिपकार्ट की इतनी अच्छी डिलीवरी है ना, वो 2-3 दिन में ही आ गया था इस बार, लेकिन यहाँ पे काफ़ी लेट हो जाता है। तो हम लोग बस उसी की तैयारी में लगे हुए थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। मतलब होता है ना, एक मतलब हल्का सा लुक आप कहीं पर को चेंज करते हो, तो पूरा रूम का ही लुक चेंज हो जाता है। तो ऐसा ही बस कुछ यहाँ पे भी है। तो हम लोग इसको लगा रहे थे। इसको लगाना इतना टफ भी नहीं है। हाँ कुछ लोग होते हैं यार, इनको लगाने के लिए बाहर बुलवाते भी हैं, बट हाँ हमने सोचा कि चलिए खुद ही कोशिश करते हैं, लगा के देखते हैं कि हमसे होता है कि नहीं होता है। बहुत मुश्किल भी नहीं है कि हाँ नहीं लगेगा, ऐसा भी नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत है। और सब अच्छे से हो गया था, आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से लग रहा था। तो देखिए फ्रेंड्स, और वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉलपेपर हम लोगों ने लगा लिया था, लगा के रेडी हो चुका है एकदम से। थोड़ा सा यहाँ पे रह गया है, तो मंगवाया है, उसको भी जल्द ही यहाँ पे लगा लूँगी। तो आप बताना आपको ये वॉलपेपर कैसा लगा, और यहाँ पे दीवार पे कितना अच्छा लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप लोग भी बताइएगा आपको कैसा लगा, और हाँ खुद से लगा के भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा आपको, हमको एक्सपीरियंस भी हो जाता है इस चीज़ का, और कुछ चीज़ें चलो सीखने को भी मिल जाती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बना रही थी तुरई की सब्ज़ी। वैसे मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही थी, हस्बैंड जी की ड्यूटी शाम को 6 बजे से थी, तो मैंने सोचा कि हाँ उनके लिए, क्योंकि वो दोबारा फिर वापस खाना लेने के लिए नहीं आ पाएंगे, इसलिए ही जल्दी खाना वगैरह बना दिया था। तो ये सब हड़बड़ाहट में मैं भूल गई कि आपको स्टार्टिंग से आपसे शेयर करना। चलिए कोई बात नहीं, आपको मैं फिर भी थोड़ा बहुत बता देती हूँ इसमें जितना भी है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तुरई वगैरह काट दीजिएगा, और साथ में ही प्याज भी इसमें काट के डाल देना साथ में ही। स्टार्टिंग में तड़का नहीं लगाना है, तुरई के साथ ही मिक्स करके आप प्याज डाल देना इसमें। हल्का आप जीरा का तड़का लगा लीजिएगा इसमें। और इसमें एक चीज़ इतनी अच्छी है ना, कि मतलब इसमें ज़्यादा कोई मसाले वसाले यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन आप जब इसको खाओगे ना, तो
यार आपको सच में आपको इतना टेस्टी लगेगा, आप एक बार बना के देखिएगा और फिर उसके बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस किस ने ये सब्ज़ी बनाई और किस किस को ये पसंद आई। मेरे बच्चे तुरई की सब्ज़ी ज़्यादा खाते नहीं हैं, लेकिन इस तरीके से बनाऊँ तो उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। तो जब आप तेल वगैरह चढ़ा लोगे ना, तो जीरे का तड़का लगा के इसमें प्याज और तुरई दोनों मिक्स कर देना और नमक डालना इसमें। नमक डालने के बाद थोड़ा सा ये होता है ना कि तुरई पानी छोड़ने लगती है, तो बस उसके सूखने का वेट करना होता है। इसमें आगे का प्रोसेस मैं आपको फिर बताती हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही मतलब आपको लगेगा ना कि इसमें तुरई हल्का सा मतलब पानी छोड़ देगी, मतलब सूखने लग जाएगा, तो आपको इसमें बाकी कुछ नहीं डालना है, बस धनिया पाउडर डालना है इसमें। और उसके अलावा आप कोई दूसरे मतलब मसाले यूज़ नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि असली टेस्ट इसका यार उसी से आता है। और तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने डाल दिया है मलाई, डाली थी थोड़ी सी इसमें से निकाल के, मलाई थी नहीं ज़्यादा। तो आप चाहें आप अपने टेस्ट के अनुसार, अगर आपको ज़्यादा बटर वाली चीज़ें पसंद है तो मतलब मलाई बटर घी कुछ भी डाल सकते हैं आप इसमें। मलाई डालने से ये होता है कि इसका कलर काफ़ी अच्छा आता है, तो मैं मलाई ही डालना ये बोलूँगी आपसे। और मैं साथ में देखिए रोटियाँ भी बना रही हूँ। हस्बैंड जी की ड्यूटी अभी आज का शाम की है, 6 बजे से रहती है, सुबह 6 बजे तक रहती है, तो अभी उनके लिए बना रही हूँ खाना। वैसे अभी उजाला ही हो रहा है, आप बाहर देख सकते हैं धूप है, मौसम बाहर का देखिए, बाहर मिस्टू शिवांश लोग खेल रहे हैं। हेलो शिवांश, कैसे हो? ठीक हो? ओके बाय। गिरेगा नीचे उतर जा। तो फ्रेंड्स, आप भी ये सब्जी बना के देखिएगा, और मैं साथ साथ में यहाँ पे सब्जी बन रही है, मैं साथ साथ में यहाँ पे रोटियाँ भी बना रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कुछ देर के बाद, मैं अभी अपना थोड़ा सा काम फिनिश कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे कल फिर एक नई वीडियो के साथ। और आप बताना ज़रूर आपको आज की वीडियो कैसी लगी, कल का वीडियो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। करती हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी और ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल भी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, अपने आप को खुश रखिए, अपने अपनों को खुश रखिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। बाय बाय।